हे गाइस वेलकम बैक दोस्तों। रियलमी XT डिवाइस के लिए रियलमी UI 2.0 की बीटा टेस्टिंग स्टार्ट होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसका अपडेट कब तक रोल आउट होगा उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन गाइस पिछले काफ़ी टाइम से रियलमी XT के लिए जो नॉर्मल अपडेट है वो भी रोल आउट नहीं किया गया था, तो फाइनली अगर आप XT डिवाइस यूज़ करते हैं तो फाइनली यहाँ पर रियलमी की तरफ से एक नया अपडेट जो कि मई मंथ का अपडेट है C.13 का, C.12 का जो अपडेट है वो यहाँ पर सस्पेंड हो चुका है, ये रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। 234 MB अपडेट का साइज़ है। सो आज की इस वीडियो में XT डिवाइस के इसी न्यू अपडेट के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ चेंजेस आपको मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों XT डिवाइस के लिए काफ़ी टाइम के बाद एक नया अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसी बात पर वीडियो पर एक लाइक बनता है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और साथ में चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और गाइस अगर आपको Realme UI 2.0 के टॉप न्यू फीचर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो Realme 6 एंड 6i दोनों डिवाइसेस में जो फीचर्स आपको मिले वही सेम फीचर्स Realme XT में भी सेम फीचर्स आपको मिलेंगे जब 2.0 Android 11 का अपडेट रोल आउट होगा। तो ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अगर बात करें न्यू अपडेट के बारे में तो सबसे पहले इस अपडेट का फुल वर्जन आप चेकआउट कर सकते हैं, RMX1921_11_C.13 का ये अपडेट आपको मिल जाता है। और लास्ट अपडेट था C.11 का जो कि C.11 का मार्च मंथ का अपडेट था, जिसके बाद दोस्तों अप्रैल मंथ में कोई भी अपडेट नहीं रोल आउट किया गया था, अभी मई का एंड आ चुका है और अभी अपडेट आपको मिलना था C.12 का, लेकिन उसको सस्पेंड करके उसको स्किप करके C.13 का ये अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। 234 MB अपडेट का साइज़ है, नॉर्मल साइज़ का ये अपडेट आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पर हमेशा की तरह चेंज लॉग में कोई नया फीचर ऐड नहीं किया गया है, लेकिन हम Realme UI 2.0 के बारे में एक वीडियो में आगे बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। सबसे पहला चेंज आप देख सकते हैं मई 2021, यहाँ पर अप्रैल एंड मई मेंशन किया गया है, लेकिन मई का सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिलता है, तो इसी मंथ का अपडेट है एंड मई का सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाता है। सिस्टम की सिक्योरिटी को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, तो ये सबसे पहला चेंज आपको मिलता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेटिंग्स के अंदर फिक्स किया गया है प्रोबेबिलिस्टिक स्विचिंग लैंग्वेज फेलियर इशू व्हेन चेंजिंग सिम कार्ड्स। तो दोस्तों लैंग्वेज फेलियर का इशू था जो कि यार ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, तो अगर आपके डिवाइस में था तो फाइनली फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट आपको फिक्स मिलेगा, ऑप्टिमाइज़ किया गया सिस्टम परफॉर्मेंस को एंड इंप्रूव किया गया सिस्टम स्टेबिलिटी को। तो गाइस इसके अलावा यहाँ पर इस अपडेट में कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको नहीं मिलते हैं। और NT2 बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 712 का चिपसेट आपको मिलता है, 220,000 के अबव आपको NT2 बेंचमार्क स्कोर मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं है। अगर आपके डिवाइस में लैगिंग इश्यूज़ है तो एक बार अपने डिवाइस को आप रीसेट कर सकते हैं, एडिशनल सेटिंग्स में जाकर बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन आपको मिलता है, इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है, तो डाटा आपका इरेज हो जाएगा लेकिन परफॉर्मेंस जो लैगिंग इश्यूज़ है वो रिमूव हो जाएंगे, साथ में जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी बढ़िया आपको मिलेगी। तो ये आप यहाँ पर 6-7 महीने में एक बार ही जरूर से अपने डिवाइस में कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं Realme XT के Realme UI 2.0 Android 11 के बीटा टेस्टिंग अपडेट के बारे में कब तक रोल आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अर्ली एक्सेस रोड मैप है उसके अंदर आप देख सकते हैं जून 2021 में, यानी अगले महीने से अभी जल्दी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो Realme X, XT 3 Pro, 5 Pro, Narzo 20A इन 5 डिवाइसेस के लिए जो अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट है वो यहाँ पर रोल आउट किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर 300-400 कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए अपडेट को रोल आउट किया जाता है, तो उसमें तो आप मान के चलिए कि इम्पॉसिबल आपके डिवाइस में अपडेट मिलना, काफ़ी सिलेक्टेड लकी यूजर्स के डिवाइस में पहले अपडेट रोल आउट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप फिर मान के चलिए 1.5 से 2 महीने बाद यानी अगस्त के मंथ में फिर से काफ़ी सारे यूजर्स के डिवाइस में 1000 नंबर में फिर से बीटा अपडेट रोल आउट होगा। एंड सितंबर के मंथ तक दोस्तों आप मान के चलिए ओपन बीटा टेस्टिंग अपडेट आएगा। एंड अक्टूबर नवंबर तक दोस्तों आप मान के चलिए कि फाइनल स्टेबल अपडेट रोल आउट होगा। तो जोन सा मंथ यहाँ पर मेंशन किया गया है उसमें आप 4 महीने और ऐड कर दीजिए तब आपके डिवाइस में अपडेट आपको मिलेगा। एंड यही रियलिटी है क्योंकि Realme ने अपडेट सभी डिवाइसेस के लिए लेट कर दिए हैं, इतने सारे डिवाइसेस को Realme ने लॉन्च कर दिया। अभी दोस्तों Realme की टीम कितनी बड़ी है वही जानते हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है सभी डिवाइसेस में जल्द से जल्द अपडेट को रोल आउट करना। तो गाइस जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी अगली वीडियो में डिटेल में आपको बता देंगे, और कमेंट करके बताइए कि इन 5 डिवाइसेस के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं अगर आप चाहते हैं कि कौन से हफ्ते में कब तक यहाँ पर अपडेट रोल आउट होगा। वैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मिड जून से, जी हाँ दोस्तों, तीसरे हफ्ते से जो बीटा टेस्टिंग है 5 डिवाइसेस के लिए लाइन वाइज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो
तो गाइस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताइए कि आपके डिवाइस में ये अपडेट आपको मिला है या फिर नहीं। और अगर आपको Realme UI 2.0 के फीचर्स की वीडियो देखनी है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे डिवाइसेस में सेम ही फीचर्स आपको मिलेंगे, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले, तो वो भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप टेलीग्राम पर MD टोक ऑफिशियल Realme लिखकर सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। Realme का ऑफिशियल स्पेशल ग्रुप है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।